अभी मैं बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर के जरकटपारा प्राथमिक स्कूल में हूँ। और अभी जो तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूँ और जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, बड़ा ही दिलचस्प बातें हैं कि आखिर इस ज़िले में राजनीतिक संरक्षण के चलते आज शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे करते नजर आ रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण लगातार जो है कि बलरामपुर ज़िले में आप देख रहे हैं। और लगातार जो है कि कई स्कूलों से मैं रिपोर्टिंग किया, हालांकि आप देख रहे होंगे कि जमीनी स्तर पे जब स्कूलों की स्थिति क्या है वो चीज़ लगातार मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। लेकिन अभी जिस स्कूल में हूं वह है प्राथमिक स्कूल जरकटपारा। और यहाँ पर शिक्षक की अनुपस्थिति ज़रा देखिए, शिक्षक एक महीने में आते हैं और एक बार हाजिरी लगाते हैं अपना और चले जाते हैं। लेकिन ज़िले में बैठे अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी की बात करें या विकास खंड शिक्षा अधिकारी की, लगातार कमीशन लेकर इन कर्मचारियों को संरक्षण देने वाले उन अधिकारियों और उन नेताओं का भी हम खुलासा करेंगे लगातार इसको। लेकिन अभी मेरे साथ यहाँ कुछ शिक्षक भी हैं, मैं वही शिक्षक से बातचीत कराने का प्रयास करूँगा। सर थोड़ा बाहर आएंगे कि आखिर आज भी यहाँ पे जो प्रधान पाठक लगातार जो है कि स्कूल से नदार पाए जाते हैं और एक महीने में एक बार इनका हाजिरी लगता है, लेकिन यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी और विकास खंड शिक्षा अधिकारी के कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। उसी चीज़ को पहुँचाने के लिए अभी मैं ग्राउंड जीरो पे इस स्कूल में पहुँचा हूँ और अभी वही चीज़ को दिखाने का प्रयास करूँगा। सर यहाँ एक शिक्षक हैं, उनसे बातचीत कराऊंगा कि आखिर वो प्रधान पाठक कहाँ हैं अभी इस दौरान। सर ये कौन सा स्कूल? सर प्राथमिक शाला जरकटपारा है। जरकटपारा जी। सर अभी काफ़ी दिनों से अभी एक मामला सामने आया है कि यहाँ के प्रधान पाठक लगातार ड्यूटी से नजर मतलब स्कूल नहीं आते हैं ना? हाँ। क्या कुछ मामला है सर, इसको बताएंगे? नहीं आने का कारण कभी बता दिए रहते हैं कि इलाज कराने जा रहा हूँ, कभी नहीं भी बताते हैं एक आध दो दिन को बिना जानकारी का, उसका जानकारी हमको भी नहीं रहता। सर स्कूल में कितने अभी आप लोग के स्टाफ हैं? दो जने हैं हम। कौन प्रधान पाठक? एक मैं। हाँ तो अभी आज प्रधान पाठक कहाँ गए हैं? प्रधान पाठक जैसा कि अभी फोन पर हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो इलाज है तो वाटप नगर गए हुए हैं, ऐसा करके मेरे को बताया। कब बात की है सर? अभी आपकी जब आने के बाद पता किया तो बताया कि इलाज कराना आपका समस्या जो था मैं वाटप नगर हूँ, अभी दिक्कत में हुआ इस करके बोला। इससे पहले आपने कोई जानकारी नहीं लिया था? इससे पहले तो होली के बाद तो हमको भी नहीं बताया, नहीं मैं भी नहीं पूछा हूँ कि कहाँ है। देखिए ये बड़ी गंभीर विषय है कि जब यहाँ मैं पहुँचता हूँ तो उनके एक स्टाफ हैं वो उनको फ़ोन से जानकारी लेते हैं, तो उन्होंने हालांकि इलाज कराने का टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन बड़ी गौर करने वाली बात यह होगी कि आज भी बलरामपुर ज़िले में लगातार जो है कि दूरांचल क्षेत्र, सुदूर दूरांचल क्षेत्र में आप जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में यही दशा और दुर्दशा लगातार आता है। लेकिन क्या अधिकारियों के कान में अभी तक आवाज़ क्यों नहीं सुनाई पड़ती? लगातार हम उसको सर अच्छा ये बताइए, आप एक शिक्षक हैं अभी पूरे क्लास को कैसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं? सर वही है अपना 10 बजे आया, 10 से 11 कक्षा में जाकर बच्चों को कुछ मैं एक्सरसाइज कराया, गतिविधि जो पाठ आधारित होती है उसको, फिर 11-12 को एक एक घंटा समय देता हूँ मैं, चाह करके भी मैं वही 4 पीरियड या 3 पीरियड ही ले पाता हूँ, खाना के बाद भी 2 पीरियड। आपको नहीं लगता है कि बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ हो रहा है सब? बच्चों के साथ तो भाई खिलवाड़ हो ही रहा है, यहाँ यदि पर्याप्त शिक्षक थे तो सब मिलकर काम करते तो हल्का हल्का बच्चों का और आर्थिक स्थिति में सुधार होती। लेकिन अकेला हूँ, जो बनता है वो करता हूँ। अच्छा यहाँ जो विकास खंड अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी कभी दौरे में आए हैं? हाँ अभी ही आए थे जी, DO साहब का दौरा था, शायद 9 तारीख को ही हमारे स्कूल में औचित निरीक्षण उनके द्वारा किया गया था, उस समय भी अपना निरीक्षण करके गए थे। बाद में पता नहीं क्या क्या जानकारी भेजे, नोटिस वोटिस जारी किए थे कि नहीं, ये मेरे को नहीं पता। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था जी कि DO जब यहाँ निरीक्षण के लिए पहुँचे हुए थे जी, उस दिन भी रजिस्टर खाली पड़ा था लेकिन DO ने वहाँ पे बकायदे निरीक्षण करके उसकी साफ करके उपस्थिति दर्ज उसमें बताया है जी।
क्या सही है? और रजिस्टर के नीचे साइन वाइन किए थे, अब मैं उनका कालम को तो नहीं देखा हूँ कि खाली था कि किया था, पर और जैसे कि और सर बता रहे थे कि उस दिन भी लिखे थे सर पी ओ साहब अनुपस्थित करके, ऐसा कोई अपना रिकॉर्ड में और मेरा निरीक्षण पंजी में भी। फिर बाद में वो प्रेजेंट हो गया? हाँ, फिर बाद में आए थे, फिर वो प्रेजेंट कर चढ़ा दिए। अब मैं ये तक नहीं देखा हूँ राजी। देखिए, यही है बलरामपुर जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार और लगातार जो है कि जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी, लगातार हम आपकी यह काला कारनामा का खुलासा करते रहेंगे, क्योंकि ये बच्चों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। लगातार जो है कि आज भी बेरोजगार युवक युवतियाँ पड़े हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार जो भूपेश बघेल है उनसे भी बार बार लगातार निवेदन करेंगे कि ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई कीजिए, नहीं तो इन बच्चों के साथ क्या होगा। देख सकते हैं बेटा, कौन से क्लास पढ़ते हैं आप? कौन से क्लास पढ़ते हैं? थोड़ा तेज बोलो, तेज। चौथी क्लास में आज क्या क्या पढ़ाई किए हैं? क्या पढ़े हैं हिंदी बेटा? आपके यहाँ शिक्षक कितने हैं? कितने शिक्षक हैं? दो। क्या नाम बेटा आपका? अभिषेक। अभिषेक, ये बता बेटा, आज आपका प्रधान पाठक कहाँ है? मुझे तो नहीं पता है। आज आए हैं? नहीं आए हैं। और आज कौन कौन शिक्षक आए हैं? श्री सीताराम। और नहीं है प्रधान पाठक? क्या नाम है बेटा? श्री सुखदेव यादव। बेटा ये बताओ, अभी जो जिले के अधिकारी, विकासखंड अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी, उनका नाम पता है बेटा? डीओडीओ का नाम पूछ रहे हैं। पता है? नहीं है। कभी जांच उच के लिए आते हैं आपके स्कूल में? हाँ, एक बार आए। क्या बोल के गए थे? कहा था कि यहाँ पे अच्छे से खाना बनता है कि नहीं बनता है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। तो क्या बताए थे आपने? हम लोग कहे थे कि पढ़ाई तो होता है, पढ़ाई भी होता है, खाना भी बनता है, लेकिन बाहर रहने से नहीं बनता। अच्छा, और शिक्षक हमेशा आते हैं कि नहीं? आते हैं। तो आज कहाँ है? आज कहाँ है आपके प्रधान पाठक? कहाँ है? मुझे तो नहीं पता है, मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं होता है ना। देखिए, यही है स्कूल की दशा और दुर्दशा, लगातार हम इसका खुलासा करते रहेंगे, और उन अधिकारियों को अवगत कराना चाहेंगे कि आज भी जमीनी हकीकत पे आएं और अपने कर्मचारियों पे ख्याल रखें कि आन की इनकी जो काला कारनामा है, लगातार झूठ पे झूठ। अभी यहाँ के जो शिक्षक हैं, सीताराम मरकाम जिनका नाम बता रहे हैं, जो शिक्षक हैं, उन्होंने फ़ोन से बात किए तो हालाँकि उन्होंने इलाज करवाने का टाल मटोल करते नजर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिले में बैठे अधिकारी इन पे कुछ कार्रवाई कर पाएंगे, या फिर उन संरक्षण, उन नेता मंत्रियों का संरक्षण देकर इनको बचाया जाएगा। तब तक देखते रहिए टीपी न्यूज, विजयलाल मरकाम, बलरामपुर। प्राथमिक शाला जरकट पारा। क्या है सर आप यहाँ के? मैं तो संकुल का CSC हूँ। हेड क्या है सर, क्यों नहीं आते हैं? लगातार तो उसकी जानकारी हमको नहीं मिल पाती है सर, लेकिन आज तो बताए कि नहीं, आज तो हम वार्डक इलाज के लिए गए हैं, और बाकी तो उनका रजिस्टर में साइन मिलता रहता है जब भी हम निरीक्षण में आते हैं। सर, मुझे जो मुखबिर के द्वारा जो जानकारी मिला है कि उन्होंने सप्ताह 10 दिन में, महीना दिन में आते हैं, एक बार हाजिरी लगा के जाते हैं। जी, वैसा तो कुछ नहीं है सर, तो आते हैं रोज़, लेकिन भाई सर अभी थोड़ी देर पहले आपने भी ये चीज़ें बता रहे थे कि अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका संरक्षण भाई ऊपर से महिलाएँगे साहब, कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे? जी सर, तो उनकी अलग बात है, वो कब आते हैं, क्या आते हैं, किसी की जानकारी नहीं देते हैं सर। और आते हैं अपना साइन उइन मार के और जाते हैं घर। और आज कहाँ है सर? आज तो वार्डक नगर बता रहे हैं सर। अच्छा, तो आज का हाजिरी कैसे होगा सर? आज का हाजिरी तो नहीं लगा है। नहीं लगा है, फिर कल आके लगाएंगे। अब तो कहाँ जानेंगे सर, वो कैसे करेंगे? सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि महिलांगे साहब जाँच के लिए आए थे, महिलांगे कौन हैं? महिलांगे सर, महिलांगे जो हैं हमारे विभाग के डीओ हैं। डीओ हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, जो 9 मार्च को प्राथमिक शाला जरकट पारा में आए थे प्राथमिक निरीक्षण में। उस दिन भी शायद सर हमारे प्रधान पाठक साहब नहीं थे, तो उनके द्वारा निरीक्षण करके और बिंदु में लिखा गया था, ये अनुपस्थित पाया गया। अभी तक क्या कार्रवाई हुआ सर उन पे? अभी तक तो नोटिस जारी नहीं हुई सर। अभी तक नहीं हुआ नोटिस जारी? क्या लगता है इसमें अधिकारियों का संरक्षण तो नहीं है?
अब तो ऊपर के अधिकारियों की बात तो हम नहीं बता पाएंगे सर, क्या है कि कैसे है, अब अधिकारी लोग ही बता पाएंगे उस बात को। सर एक बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अभी थोड़ी देर पहले कुछ पता चला था कहीं विधायक का इसमें हाथ है इनका, क्या यह सच है सर? वो नेता के हाथ तो हम नहीं कह पाएंगे सर, क्योंकि आज तो बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो नेतागिरी भी करते हैं, लेकिन हम सब उसके बारे में नहीं जानते हैं नेतागिरी के बारे में। तो अच्छा ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं सर, क्योंकि लगातार ड्यूटी नहीं आएंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे स्कूल में, कैसे? लगातार अनुपस्थित रहने से बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है सर, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें किस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए? इस प्रकार इसमें अच्छे लापरवाही किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। चलिए थैंक यू।